हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या ब्लॉग्स। सो गाइस, आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही आसान 5 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है। रेसिपी है मूली की फ्राइड सब्जी। अब आप सोच रहे होंगे फ्राइड सब्जी कैसी होती है। अक्सर लोग मूली की जो सब्जी होती है वो अलग अलग तरीके से बनाते हैं अलग अलग जगह पे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मूली की सबसे पहले आप मूली को साफ तरीके से धुल लोगे। धुलने के बाद आप जो है मूली को स्लाइड्स में काट लीजिए। उसके बाद आप उनको सिलपट्टे पे रख के थीस दीजिए। थीस दीजिए मींस तोड़ दीजिए, जो भी होता है। तो ये ऑलरेडी हम मूली को थींच चुके हैं। अब थींच आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रही है। एक्चुअली ये पहाड़ी वर्ड है। तो अब जब आपने मूली देखी होगी ये, तो आपको पता चल ही गया होगा थींचने का मतलब क्या था मेरा। ये हमने 3 यहाँ पे हरी मिर्च ली है, जो कि हम काटने के बजाय इनको कूटेंगे। कूटेंगे मीन्स इनको सिलबट्टे में ही मूली के साथ तोड़ देंगे। अब ये मूली जो है फ्राइड होने के लिए तैयार है। तो चलिए अब आगे हम आपको प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम सरसों का तेल इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्टी बनती है। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले सरसों के दाने। ये सरसों के दाने अच्छे से पक चुके हैं, तो अब ये हम मिला देंगे एक साथ। ये आपकी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर। कम ही डालें क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी ग्रीन चिल्ली डाल चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे हल्दी और अब हम इसे कर लेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि मसाला अच्छे से सब्जी के साथ मिक्स हो। ये सब्जी अच्छे से हम मिक्स कर चुके हैं। इसको मिक्स करने के बाद आप इसमें ढक्कन नहीं रखोगे, क्योंकि अगर आप इसमें ढक्कन रखोगे तो सब्जी जल सकती है और इसमें स्वाद भी नहीं आएगा। तो आप इसे ऐसे ही 3 या 4 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसे हिलाओगे। 1 मिनट के बाद हम इसे पलटा रहे हैं क्योंकि जो ये सब्जी है ये ड्राई सब्जी है, और अगर हम इसे ज़्यादा देर तक ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये जल जाएगी। इसलिए इसे बीच बीच में हिलाते रहें। सब्जी 2-3 मिनट में पक जाएगी, तो हम तब तक ये हरा धनिया कट कर लेंगे। 2 मिनट के बाद हमारी सब्जी पक के तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसे हम सर्व कर सकते हैं। ये सर्व करने के लिए तैयार है। सो गाइज, आपने देखा ये ड्राई मूली सब्जी, मूली ड्राई सब्जी जो भी बोलो, कितनी आसान और कितने कम समय में ये बन जाती है, और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगती है जितने की ये दिख रही है। सो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।